जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के जवान ने एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए देवदूत बनकर वो सामने आए और भारी बर्फबारी की वजह से अलग थलग पड़े गांव से महिला को निकाला गया, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें सेना के जवान स्ट्रेचर पर प्रेग्नेंट लेडी को लेकर बर्फ से ढके रास्तों पर पैदल चलते नजर आए। बताया जा रहा है कि जवानों ने प्रेग्नेंट लेडी को LOC के पास बुनियाद तहसील के तुमवाली गांव से पारो डिटैचमेंट तक सुरक्षित पहुंचाया। यहां पर सेना की मेडिकल टीम ने मरीज की जरूरी जांच की, फिर महिला को तुरंत एक एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया और बर्फ से ढकी सड़कों से होते हुए बनियार PHC तक ले जाया गया, जो गांव से 20 किलोमीटर दूर था। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। जरूर पहुंच गया, क्योंकि एक तरफ ईरान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई, तो वहीं दूसरी ओर मोसाद ने दूसरे देशों में ईरान के लोगों को पकड़वाना शुरू कर दिया। दो दिन पहले ही जर्मनी में ईरान का एक नागरिक गिरफ्तार हुआ था, जिसके पास साइनाइड जैसा जहर मिला था और आरोप लगा कि वो जर्मनी में आतंकी हमला करने घुसा था। लेकिन ईरान का खून खोलने वाली खबर तब आई जब पता चला कि ईरान के नागरिक की गिरफ्तारी मोसाद की वजह से, क्योंकि जर्मनी की सरकार को मोसाद ने ही उससे जुड़ी जानकारी दी थी। यानी ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े और अपने अपने तरीके से एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। ईरान तो पिछले कुछ महीनों से कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। एक हफ्ते पहले ही उसने आरोप लगाया था कि इजराइल ने ईरान के सुरक्षा तंत्र को तोड़ने का मास्टर प्लान बनाया है और अब उसका कहना है कि वो हिजाब आंदोलन के बीच ईरान को दंगों की आग में जलाने की चाल चल रहा है। इधर बिहार के बक्सर में मुआवजे पर बवाल इस कदर बढ़ गया कि पुलिस और प्रदर्शन कर रहे कई किसानों के बीच तीखी झड़प हो गई। वहां किसानों से जमीन लेकर एक थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन 2013 के दामों पर उन्हें मुआवजा दे रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उन्हें 2022 के रेट से मुआवजा दिया जाए और इसी वजह से वो करीब 3 महीने से उस पावर प्लांट के दफ्तर के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं। लेकिन बात तब बढ़ गई जब इन किसानों ने कुछ पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि वो देर रात उनके घर में घुसे और अंदर मौजूद परिवार के कुछ लोगों से मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। उसमें घर में सब लोग इधर उधर भागते नजर आए और कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद कुछ लोगों की पिटाई करते दिखे और एक दूसरा दरवाजा था उसको लात से मार करके उसकी किली को तोड़ दी। ऐसे में सुबह होते ही गुस्साए लोग उस थर्मल पावर प्लांट के बाहर पहुंच गए और उसके मेन गेट पर आगजनी कर दी, जिसके बाद ये बवाल बढ़ता ही चला गया। इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पुलिस की एक गाड़ी समेत उस पावर प्लांट के बाहर खड़ी कुछ बसों और ट्रकों में भी आग लगा दी। ऐसे में पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इन हालात में कई लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। मुआवजे पर प्रदर्शन तेज हुआ तो पुलिस ने भरोसा दिया कि हालात पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इस हंगामे के बाद इलाके में दूर दूर तक धुआं ही धुआं उठता दिखाई दिया।